मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया और एक नई सीरीज। अब नई क्या, कई कथाएं सुना चुके हैं तो आपको सीरीज तो नई नहीं लग रही होगी। वैसे नई सीरीज है, कथानक जहां का है, कथा जहां की है, कहानी जहां की है, हम उसी स्थल से यहां पर मुख्य पुजारी जी खड़े हुए हैं, त्यागी जी। त्यागी जी राम राम। त्यागी जी मुझे ये बताइएगा, ये हनुमान जी का जो स्वरूप है, मनमोहक स्वरूप है, इनके पीछे क्या कहानी है? इनके पीछे क्या, बाबा जी ने स्वयं इनको मिट्टी और गौ के गोबर से बनाया था बाबा ने जी, और इन्हीं से बाबा ने सिद्धियां प्राप्त किया जी। जो बाबा ने, बाबा को सिद्धि मिली वो इन्हीं से मिली, इन्हीं के द्वारा, क्योंकि बाबा तो ये है कि इनका निर्माण जो है बाबा ने पहला और अंतिम विग्रह है, ये विग्रह है वो स्वयं बनाया, बाकी जो बाबा नीम करोली के कर कमलों से द्वारा बना हुआ है, बाकी तो हर जगह पत्थर की मूर्ति, लेकिन बाबा ने स्वयं जो है यहाँ पर बनाकर इनको इन्हीं से सिद्धि प्राप्त किया, इन्हीं से सिद्धि प्राप्त की थी जी जी। लेकिन मैंने सुना है जी कि एक दिन बाबा नीम करोली और हनुमान जी में झगड़ा हो गया था, और झगड़ा क्या हो गया था, झगड़ा तो यहाँ तक हो गया था कि इन्हीं को बनाया और एक दिन वो डंडा लेके प्रहार भी कर दिया था इन पर, वो क्या कहानी है? वो ऐसा है कि बाबा को उस दिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं था जी, तो बाबा गुस्से में आकर के कि क्या मुझे भूखा मार डालोगे क्या, अच्छा तो हनुमान जी को ही जब पीटने लगे तब हनुमान जी, सही बात है ना, कुछ समय के बाद में देखा कि बाबा लाइन लगी हुई थालियों की खाने की, अच्छा भोजन की, हाँ भोजन लेके लोग आ रहे हैं, सही बात है, हाँ ये सही है। तो अभी तक मैंने आपको जिन हनुमान जी के दर्शन कराए, हमने हमेशा बताया कि महाराज जी ने अपने कर कमलों से बनाए हुए हैं और इनकी सेवा आप जानते हो ना, यहाँ सभी लोग कर रहे हैं। महाराज जी का जो विग्रह बनाने का मैं ये कहूँगा कि एक ही प्रमाणिक जानकारी में है कि महाराज जी ने हनुमान जी को अपने हाथों से बनाया है, लेकिन आपसे झगड़ा भी इतना हुआ और झगड़ा डंडा लेके आप पीटने लगे, ये कथा मैंने सुनी थी, आज हमने महंत जी के मुखाग्नि से सुनवाई। और इस बात से एक चीज स्पष्ट होती है कि अगर प्यार है, इकरार है, तो सब कुछ जायज है। अगर आप प्यार से महाराज जी को मानते हैं, ऐसा ना हो कि डंडा उठा लेना, डंडा उठाने का बहुत वो होता है, वो तो भैया अपना आपस का मामला था, लेकिन आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर प्रार्थना तहे दिल से करते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरी होती हैं। प्रणाम करते हुए मैं चलता हूँ, राम राम।